नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी, विषय पद्य 7 सूरदास के पद। कवि सूरदास के पद में कृष्ण भक्ति का वर्णन किया गया है। कवि सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो आज हम सूरदास के पद को समझते हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकता है। आराध्य देव का गुणगान सुनने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया गया है। तो आज हम सूरदास के पद को अभ्यास करते हैं, समझते हैं, पठन करते हैं उनका। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम, और देव को ध्यावे। परम गंगा को छाड़ी पियासो, दुर्मति उपखनावे। जिही मधुकर अंकुज रस चाख्यो, क्यों करीला फल भवे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेड़ी कौन दुहावे। क्या कहते हैं सूरदास उनके पद में, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत अनंत यानी कि अन्यत्र, अनंत यानी कि अन्यत्र, अन्यत्र दूसरे स्थान पर। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे। कवि सूरदास कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के शिवाय और कई सुख नहीं पाता है। जैसे जहाज के पंछी उड़कर फिर जहाज पर ही बैठता है, पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देव अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर भी कृष्णों के चरण में, कृष्ण के चरण में ही लौट आता है। कमल नयन को छाड़ी महातम, कमल नयन कमल कमल का पुष्प, नयन यानी कि आंखें, कमल के नयन समान, छाड़ी छाड़ी यानी कि छोड़कर, महातम महातम यानी कि महिमा, महातम यानी कि महिमा की महिमा, और देव को ध्यावे। परम गंगा को छाड़े पियासी, दुर्मति कुप खनावे। पियासो पियासो यानी कि प्यासा, पियासो यानी कि प्यासा। दुर्मति दुर्मति यानी कि खराब बुद्धि वाला।
कुप कुप यानी कि कुआ। सूरदास कहते हैं कि कमल नयन की ऋषा की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवताओं का ध्यान नहीं कर सकता है। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआ खुदवा खनावे यानी कि खुदवावे तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल पावे। मधुकर मधुकर यानी कि भौरा मधुकर मधुकर यानी कि भौरा मधुकर यानी कि भौरा जिस भौरे ने कमल का रस का स्वाद चख लिया है उसे करील का स्वाद कैसे अच्छा लगेगा। ऐसा कवि सूरदास कहते हैं। सूरदास कहते हैं कि सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। छेरी छेरी यानी कि बकरी। छेरी यानी कि बकरी। छेरी यानी कि बकरी। सूरदास कहते हैं कि प्रभु तो काम धेनु के समान है उसे छोड़कर बकरी को कौन दुहावे। फिर से समझते हैं कि प्रथम पद में सूरदास ने कहा है कि उसका मन कृष्ण के शिवाय और कहीं नहीं सुख पाता है। वो कहते हैं कि जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही बैठता है। इस तरह उसका मन कृष्ण की अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर वापस कृष्ण की शरणों में ही आता है। कृष्ण के चरण में ही आता है। कमल नयन की कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। यदि कोई प्यासे व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआ खोदकर वो पानी मिलता है उसे वो जल मिले उसे तो कुआ खुदवाए जल वो जल के लिए गंगा जल को छोड़कर कुआ खुदवाए तो उसे लोग मूर्ख ही समझते हैं। जिस भोरे ने कमल का रस चख लिया हो उसको करी का जो स्वाद है वो करी का स्वाद कैसे अच्छा लगेगा। और सूरदास जी अपने शब्दों में कहते हैं कि कामदेव के समान प्रभु है। वो कैसा कहते हैं कि कृष्ण तो प्रभु तो कामदेव के समान है उसे छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। तो प्रस्तुत पहला पद जो है वो पहले पद में वो ऐसा समझाते हैं। दूसरा पद शोभित कर नवनीत लिए। शोभित कर नवनीत लिए कर यानी कि हर कर यानी कि हर नवनीत नवनीत यानी कि मक्खन मक्खन। सूरदास जी कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए गुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित सुख दधि लेप किए। क्या कहते हैं कि जो हाथ में मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं वे गुटुरुनी गुटुरुनी यानी कि घुटनों के बल पर चल रहे हैं मुख दधि लेप लिए। क्या कहते हैं उनके शरीर पर मुख दधि का लेप मुख यानी कि उनके मुख पर मक्खन लगा हुआ है।
चारों कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक लिए लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधुवी पी कठुला कंठ वज्र केहरि नख राजत रुचिर हुए धन्य सूर ए गोपल इही सुख का सता कल्पनीय। क्या कहते हैं कि बालक जो कृष्ण है वह अपने हाथों में मक्खन लिए हुए अपने घुटनों के बल पर चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख पे मक्खन लगा हुआ है, उनके गालों पर चारों कपोल कपोल यानी कि गालों पर सुंदर और नेत्र जो है वो भी चंचल है, उनके गोरोचन तिलक दिए, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक किया हुआ है, गोरोचन का तिलक जो है वो लगा हुआ है। लट लटकनी मनु मत मधुपगन मादक मधु ही पिए, उनके सिर पर दोनों ओर लटे झूल रही है। भगवान श्री कृष्ण की फोटो आपने तस्वीर दिखी होगी, वे मस्त मधु पीकर मस्त भौरों के समान लग रही है, उनकी जो सिर पर लटे जो है वो झूल रही है, वे लटे मस्त मधुकर मधु पीकर मस्त भौरों की जैसे लग रही है। गले में पहनी हुई चांदी की जो माला है वो और बजर कुट्टी की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। कठुला कठुला यानी कि कंठ गला कठुले की माला जो है वो सुशोभित कर रही है। सूरदास कहते हैं कि बालकृष्ण की छवि देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन उनका धन्य हो जाए, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। तो अब हम प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। पहला प्रश्न, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है। दूसरा प्रश्न, सूरदास के मधुकर को करी फल क्यों नहीं बहता? करी करी यानी कि कंटीली झड़ी का जो फल है उनकी बात की गई है, तो सूरदास के मधुकर को करी फल क्यों नहीं बहता? क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का जो अंबुज है उनका रस चख लिया है, इसलिए उन्हें करी का जो फल है वो नहीं पाता। तीसरा प्रश्न, बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया है। अगला प्रश्न, शूर धन्य क्यों हुए? तो क्योंकि शूर ने अथवा तो क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हुए है, वो दर्शन हो गए है, इसलिए सुर धन्य हो गए। तो अब हम विकल्प प्रश्न को समझते हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक के एक गुण, हम विकल्प प्रश्न को समझते हैं। पहला विकल्प, जहाज का पंछी उड़कर फिर कहाँ आता है? पद्य में हम समझ गए कि जहाज का पंछी उड़कर फिर आकाश में, पेड़ पर, जहाज पर, नदी पर, तो कहाँ आता है? सही है, कहाँ आता है? जहाज पर भी आता है। दूसरा विकल्प, श्री कृष्ण किसके समान निर्मल है? तो चंदन, कपूर, यमुना और गंगा। तो किसके समान निर्मल बताया है? गंगा के समान। किसके समान? गंगा के समान। बहुरा
भौरा कमल रस को चाव से चखता है। तो कौन सा विकल्प आएगा? सी चाव का कमल रस। अगला विकल्प, श्री कृष्ण किसके समान है? कल्प वृक्ष, नारियल, आम्र वृक्ष, कामधेनु। तो श्री कृष्ण किसके समान है? कामधेनु के समान है। तो कौन सा विकल्प आएगा? विकल्प डी कामधेनु। अगला विकल्प, श्री कृष्ण के नेत्र कैसे है? चंचल है, लाल है, मधुर है कि विशाल है? तो श्री कृष्ण के नेत्र कैसे है? चंचल है। तो इस प्रकार विकल्प प्रश्न लिखने हैं। विद्यार्थी मित्रों, पद्य का पठन करना, समझना और सही तरह प्रश्न के उत्तर लिखना है।